नमस्कार मैम. नमस्कार मैम. आप आयुष कुमार की मदर? यस मैम. मैम कितने टाइम से पढ़ रहे हैं आयुष? 8 साल से. स्टार्टिंग यहीं से ही है. स्टार्टिंग यहीं से है. हाँ जी. फॉर्मल एजुकेशन यहीं से स्टार्ट है. ओके. तो फिर क्या रीज़न था आपका स्कूल में एडमिशन करवाने का? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो जैसे मैंने बेटे का एडमिशन फॉर्मल, मैं वर्किंग हूँ तो मैंने बच्चे को जल्दी स्कूल में डाल दिया था. घर के पास प्ले स्कूल था, उसमें डाल दिया. तो बड़ा कंजेस्टेड सा स्कूल था. तो नेक्स्ट ईयर एक फॉर्मल एजुकेशन के लिए जैसे ट्राई करना था स्कूल, तो हम JMS गए. ऑफकोर्स हिसार में एक फर्स्ट चॉइस होती है JMS. तो हम JMS गए तो वहाँ उसकी एज कम थी, 3 महीने. तो एक साल टाइम पास करना था कि एक साल बाद हम JMS जाएंगे, एक साल किसी भी स्कूल में डाल देते हैं. तो यहाँ जैसे कंजेस्टेड स्कूल में पढ़ा था तो यहाँ आके देखा बहुत ही ओपन, बड़ा अच्छा कैंपस है, खुला स्कूल है, छोटे बच्चे के हिसाब से अच्छा खेलेगा. तो स्कूल देख के ही पसंद कर लिया. फिर नेक्स्ट ईयर एक साल चला, सेटिस्फाइड थे स्कूल से, ठीक चल रहा है. नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करा JMS के लिए. JMS में हो भी गया. लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट, जो बच्चे को इंडिपेंडेंस जो यहाँ मिल रही थी, उसमें जो खुद से होमवर्क करने की जो क्वालिटी नर्सरी लेवल 1 से ही स्टार्ट हो गई थी. मुझे कभी भी उसे होमवर्क नहीं करवाना पड़ा. और बीइंग वर्किंग मेरे पास टाइम भी नहीं होता था. 9 to 5 की जॉब के बाद आप थक के आते हो, एनर्जी इतनी बचती नहीं है कि आप बच्चे को पढ़ा सको. तो स्टार्टिंग से ही ये था कि स्कूल में बच्चे के ऊपर फर्स्टली कोई प्रेशर नहीं था, सेकेंडली होमवर्क करवाने का भी कोई प्रेशर नहीं था कि बच्चा करेगा तो ठीक है और नहीं करेगा तो स्कूल में करवा देंगे. मदर्स वर्कशॉप क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से हो रही हैं तो उसमें हमें यही बताया गया था कि आप मत करवाइए, आप प्लीज़ हमारे बच्चों को मत पढ़ाइए. क्योंकि स्कूल जो पढ़ाने का काम है वो देखा जाए तो स्कूल का ही होता है. और इस स्कूल में ये बिल्कुल बेसिकली फॉलो हो रहा है कि पढ़ाने का काम स्कूल का है और स्कूल बहुत अच्छे से कर रहा है. आई एम रियली सेटिस्फाइड. 8 साल से मेरा बच्चा है, मेरी बेटी भी अभी इसी स्कूल में आ रही है, फर्स्ट में हो गई है. मैं सेटिस्फाइड हूँ. मुझे दोनों को पढ़ाना बिल्कुल नहीं पड़ता, वो खुद से टॉपर हैं क्लास के. तो और भी पेरेंट्स से डिस्कस हुई थी तो दे हैव टोल्ड कि हाँ इंडिपेंडेंस ही है स्कूल में. मीन्स कोई फोर्सफुली नहीं है कि होमवर्क वो खुद से कर रहे हैं, ट्यूशन वगैरह की भी नहीं है. तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स क्या और ऐसी चीज़ें हैं स्कूल में जो मीन्स आयुष कुमार को बहुत अट्रैक्ट करती है या फिर उसका इंटरेस्ट होता है, चाहे स्पोर्ट्स हो? उसको बुक्स रीड करने का बहुत शौक है. okay. और एक वो रहता है बच्चों को स्टोरी बुक्स ही पसंद होती हैं, उसको हर तरह की बुक्स पसंद है. उसको आप इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने का, नॉलेज का, अपार्ट फ्रॉम क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसके अलावा बुक्स, नॉलेज जिसमें है. कई बार तो ऐसे फैक्ट्स वो बताता है जो मुझे भी नहीं पता होते, चाहे आप यूनिवर्स को लेके या बायोलॉजी को लेके, शायद वो आगे कभी किसी क्लास में पढ़े. तो उसकी खुद से लर्निंग की जो उसकी क्यूरियोसिटी है वो यहाँ पे डेवलप हुई है. दूसरा उसको चेस स्कूल में सिखाया गया, बहुत ही अच्छा खेलता है. अब तो उससे जो बड़े बच्चे भी हैं घर में उनको भी, उनसे भी अच्छा खेल रहा है. तो बहुत अच्छा चेस खेल रहा है और किसी तरह से कभी उस पर उसको प्रेशराइज नहीं करना पड़ता. स्पोर्ट्स में वो बैडमिंटन खेलता है. okay. और पढ़ाई के बाद वो सफिशिएंट टाइम बैडमिंटन के लिए निकाल लेता है. उसे कभी एग्जाम स्टेज में भी मिस करवाने की ज़रूरत नहीं है. तो गेम्स, हाँ जी, वो स्केटिंग भी, उसने एक साल स्केटिंग की है. स्कूल स्पोर्ट्स भी है, अदर एक्टिविटीज़ भी है, जैसे आपने बताया कि रीडिंग भी है. जैसे फिफ्थ ग्रेड में इनको जैसे जियो चाइल्ड वगैरह भी देते हैं. जियो चाइल्ड बहुत अच्छे से रीड करता है, ये सारे फैक्ट्स पढ़ता है. कोई भी मैगजीन उसकी ऐसी नहीं है कि वो मिस करे. और उसके बाद जो उसमें एक्टिविटीज़ हैं, जो फीडबैक फॉर्म्स होते हैं और उसमें भी वो इन्वॉल्व रहता है. और अटेंटिव रहता है, बिल्कुल. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. और पढ़ाई क्योंकि स्कूल में इतने अच्छे से हो जाती है तो घर पे उसके पास सारी चीज़ों के लिए टाइम है. मैं बिल्कुल फ्री हूँ. और 9 to 5 जॉब करने के बाद मुझे घर आके सिर्फ एक काम करना है कि बच्चों को पैम्परिंग करनी है. मुझे उनको और किसी चीज़ के लिए, उनकी फरमाइशें, उनका खाना पीना और वो खुश हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. पहले मुझे लगता था कि शायद मुझे जॉब छोड़नी पड़े या ब्रेक लेना पड़े, सरकार फैसिलिटी देती है छुट्टियां लेने की, लेकिन मुझे नहीं लेनी पड़ती. और अच्छा कर रहे हैं बच्चे, इंडिपेंडेंट हैं. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, रीडिंग्स, ऑलराउंडर, बिल्कुल ऑलराउंडर. और ऑल थैंक्स टू स्कूल, बिल्कुल. इसमें 101%
मुझे स्कूल का कंट्रीब्यूशन लगता है. एक जो सर कहते हैं कि आप बच्चों को हेल्प मत करो या उनको प्रेशराइज घर पे मत करो, तो उसके लिए टाइम भी नहीं है. और आई एम थैंकफुल टू स्कूल कि मुझे इन चीज़ों से दूर रखा, ताकि मेरे बच्चों से मेरी जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी है. वरना तो जब हम बच्चों को प्रेशराइज करते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं पेरेंट्स से दूर हटते जाते हैं. लेकिन अब मेरी रिलेशनशिप बच्चों के साथ इतनी अच्छी है कि मैं बस बता नहीं सकती. आई एम ऑल थैंकफुल टू स्कूल. थैंक यू सो मच फॉर योर टीचर्स टाइम.